Please subscribe my channel and press the bell icon. Hello, what's up guys? तो कैसे हैं आप लोग? I hope कि आप सब ठीक होंगे. आज हम दोपहर से खेलने जा रहे हैं Minecraft. ये देखिए guys, हमारा world हो चुका है open. तो हम चलते हैं सीधा अपने घर से बाहर. देखिए उस मुर्गी ने वहाँ पर अंडा दे दिया है. हम जाके उस अंडे को करते हैं कलेक्ट. पहले मुर्गी ये बता हमारा घर कैसा लग रहा है. नहीं बताएगी ये ले. ओए पिगी, तू भी बता हमारा घर कैसा लग रहा है. इधर देख, इधर देख, इधर देखना. नहीं बताएगा तो तू भी निकल. चल, ज़्यादा भाव खा रहे. चल चल चल, हम इस एग को कर लेते कलेक्ट. हाँ, इस पिगी को हमारा घर अच्छा लग रहा है. ये हमारे घर के आसपास घूम रहा है तो हम इसे कुछ नहीं कहेंगे. तो गाइस, पहले हम चलते हैं अपने पुराने वाले टेम्प्रेरी हाउस पे. वहाँ पर मेरा एक बेड था, फर्नेस था और एक चेस्ट था. चेस्ट में थोड़ा सामान रखा है तो हम उसे जाकर ले आते हैं वापस. पर गाइस, मैं हमेशा अपने टेम्प्रेरी घर का रास्ता भूल जाता हूँ. पर टेंशन वाली बात नहीं है, मैं उसे जल्दी ढूंढ लूँगा. हाँ, हमारा घर उधर रहेगा जहाँ वो ट्रीज दिख रहे हैं. ये देखिए हमारा पेड़ भी कितना बड़ा हो चुका है गाइस. और ये रहा हमारा टेम्प्रेरी हाउस. तो हम अंदर चलते हैं, यहाँ से करते हैं बेड को कलेक्ट. और हमारी इन्वेंट्री भरी हुई है तो हम इसमें से जो मेन मेन चीज़ें हैं उन्हें यहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं. जैसे कि मैंने डोर करा, कॉल कर लेता हूँ, फ्लिंट भी कर लूँगा, बैट भी कर लिया और ये फूड आइटम्स भी मैं कलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से. देखिए मैंने यहाँ से कलेक्ट कर लिया है. सीड भी ले लिए क्योंकि आज हमें करनी वीडियो फार्मिंग. हाँ, मेन चीज़ गाइस, यहाँ पे मेरे 4 आयरन इन्वर्ट भी रखे हैं, उसे भी मैं कर लेता हूँ कलेक्ट. ये देखिए मैंने आयरन इंगट भी कलेक्ट कर लिए हैं. जाने से पहले अपने इस ट्री में से वुड भी कलेक्ट कर ही लेते हैं गाइस. देखिए दोस्तों, इस वाले ट्री में जो हमने ग्रो करा था ये काफ़ी बड़ा भी हो चुका है और इसमें वुड भी काफ़ी सारी है दोस्तों. अगर गाइस आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ताकि आपको मेरी नई वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें. ये वुड कलेक्ट क्यों नहीं लगता है? मेरी इन्वेंट्री भरी है तो मैंने यहाँ से थोड़े ग्लास पेन फेंक दिया. ये देखिए वुड कलेक्ट हो चुकी है. तब हम सीधा चलते हैं अपने नए वाले घर के पास. देखिए गाइस, हमारा घर दूर से कितना ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है. हम घर के पास आ गए हैं, चलते हैं सीधा घर के अंदर. यहाँ से मैं थोड़े से वुडन प्लैंक्स बना के चेस्ट क्राफ्ट कर लेता हूँ ताकि हम चेस्ट को यहाँ रख के चेस्ट में अपना अभी के लिए अनवांटेड सामान स्टोर कर सकें. तो यहाँ पे चेस्ट को प्लेस कर दिया है. यहाँ पे जो अभी मेरे को जिस सामान की ज़रूरत नहीं है उसे मैं इसमें स्टोर कर देता हूँ. ये देखिए मैंने वुड इसमें स्टोर कर दिया है, वुल भी कर दिया है, लेदर, कॉल, फ्लिंट, जो जो मुझे अभी ज़रूरत नहीं है वो मैंने सारा इसके अंदर स्टोर कर दिया है. और एक बेड मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ताकि ये मेरा डबल बेड बन जाए. यहाँ से मैं कुछ टॉर्चेस भी क्राफ्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डाल देते हैं कोल फर्नेस के अंदर. चलते गए सीधा अपने घर से बाहर. घर से बाहर जाने से पहले गाइस, मैं यहाँ से थोड़ी शवल क्राफ्ट कर लूँ ताकि आज हमें फार्मिंग करनी है तो उसके लिए हमें एरिया प्लेन करना पड़ेगा. यहाँ से मैं कुछ शवल क्राफ्ट कर लेता हूँ. ये देखिए हमारी एक शवल क्राफ्ट हो गई है. तो मैं यहाँ पे ये जो एरिया है इसे प्लेन कर देता हूँ गाइस. तो ये देखिए दोस्तों, मैंने इतना एरिया पूरा प्लेन कर दिया है. अब हम चलते हैं अपने घर के अंदर और वहाँ पे उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा रास्ता बना देते जो देखने में हमारा घर और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा फिर गाइस. और हम चलते घर के अंदर, वहाँ से लेंगे आयरन इंगट और उससे बनाएंगे बकेट ताकि हम अपने फार्म तक बकेट में भर के वाटर को ला सकें. ये हमने बकेट क्राफ्ट कर लिया और हम सीधा चलेंगे अपने उस वाली लेक के पास जो हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पर है. इससे पहले मैंने और स्टिक्स बना लिए हैं और उन स्टिक्स से बना लिए एक वुडन होए. वीडियो को पूरा देखना गाइस. मैं लास्ट में आपको बताऊंगा कि माइनक्राफ्ट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट
ये देखिए गाइस, इधर एक बंदर ट्रेडर है, तो हम इसे ट्रेड करके देखते हैं क्या ट्रेड कर रहा है। तो ये देखिए इसकी ट्रेड बहुत ही ज़्यादा महंगी है, पता नहीं इतनी महंगी ट्रेड क्यों करता है। तो हम इसे यहाँ से भगा देते हैं मार मार के। पता नहीं क्या इसके लामक के खुजली होने लगती है, जब भी मैं उसे मारता हूँ तो मेरे पास अटैक करने लगता है, थूकने लगता है पागलों की तरह। ये देखिए मेरे को लामा को मार के दो क्या कहते हैं लेदर्स मिल चुके हैं। देखिए गाइस हमारा घर भी कितना ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। हम यहाँ से बकेट में वाटर कलेक्ट कर लाते हैं, जिससे हम अपने घर के पास बनाएंगे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स, ताकि मुझे बार बार आके यहाँ पे वाटर ना लेना पड़े। तो मैं यहाँ पे इस वाटर बकेट को मैं से वाटर डाल देता हूँ एक ब्लॉक तोड़ के। देखिए गाइस मैंने यहाँ से एक ब्लॉक तोड़ दिया है और यहाँ पे मैंने वाटर बकेट से वाटर डाल दिया है। तो हमें जाके एक और बकेट वाटर लाना पड़ेगा, जिससे हमारा अनलिमिटेड सोर्स घर के पास ही तैयार हो जाएगा। चलते सीधा अपने घर के पास। देखिए गाइस शाम रात भी हो चुकी है और बारिश भी शुरू हो गई, तो पहले हम चलते सीधा अपने घर के अंदर और वहाँ पर जाके लेंगे एक चैन की नींद। ये रहा हमारा बेडरूम और यहाँ पे है डबल बेड और ये मैं मज़े से सोने वाला हूँ गाइस, और ये मैं मज़े से सो गया। मैं उठूँगा सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग में। ये देखिए गाइस, सॉरी गाइस, वीडियो थोड़ा पॉज हो गया था जिस वजह से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया, पर देखिए मैंने यहाँ पर वाटर डाल दिया है और मैं यहाँ होए की मदद से ये ग्रास को हटा देता हूँ, ताकि यहाँ पर मैं सीड्स को उगा सकूँ। ऐसे ही मैं चारों तरफ करूँगा और इसे पर स्क्वायर शेप में अपना फार्म बना लूँगा। ये देखिए मैं हो इसे यहाँ से भी ग्रास हटा देता हूँ। मैंने वाटर इसलिए डाला ताकि ये जो है मिट्टी गीली रहे, वरना ये वापस से डर्ट में चेंज हो जाती है और इस पर ग्रास भी आ जाती है। देखिए मैंने पूरे ही खेत वैसे ये ग्रास हटाने ही वाला हूँ, और ये हमारी ग्रास हटने वाली है और ये मैंने सारी ग्रास हटा दी है। और हमारे पास अभी थोड़ी सी सीड्स हैं, उन्हें मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर सीड्स लगा दिए हैं, हमारे पास 5 ही सीड्स थे, वो हमने वहाँ पर लगा दिए हैं। तो मैं गाइस और भी ज़्यादा सीड्स कलेक्ट करने होंगे, वरना हमारा जो फार्म है बहुत ही छोटा होगा। तो मैं यहाँ से ग्रास को तोड़ के और सीड्स कलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए गाइस मैं ग्रास को तोड़ रहा हूँ। गाइस एक बात बताना है कि ये सीड तो वीट के होते हैं, पर ये हमें ग्रास में क्यों मिलते हैं? ये देखिए हमें एक सीड मिल चुका है, ऐसे हमें कम से कम 10 सीड्स चाहिए, क्योंकि अगर हम पूरे खेत के लिए सीड्स ढूंढेंगे तो हमें पूरा 1000 साल लग जाएंगे। इसलिए हम अभी 10 सीड्स ढूंढेंगे, 5 हमने उगा दिए हैं, तो हम उन्हें वहाँ पर जाकर लगा देंगे। फिर जब वो पक जाएगी फसल, उसे हम काट लेंगे, तो हमें वहाँ पर और भी ज़्यादा सीड्स मिल जाएंगे, जिसे हम दोबारा लगाएंगे, दोबारा काटेंगे, ऐसे हमारे पास सीड्स पूरे हो जाएंगे। हमारे पास 4 सीड्स हो चुके हैं, अभी तो मुझे और भी ज़्यादा सीड्स ढूंढने, पूरे 10 सीड्स ढूंढने हमें। इतनी ज़्यादा ग्रास तोड़ो तब जाके एक सीड मिलता है। मुर्गियाँ मेरे पीछे क्यों आ रही हैं दोस्तों? अच्छा मेरे हाथ में सीड है, इसलिए बार बार मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। ऐसे दोस्तों मैं जो आपको फैक्ट बताने जा रहा था ये है कि जो माइनक्राफ्ट में जो बहुत रेयर चीज़ होती हैं, एक तो पिंक कलर की भेड़, वो भी नेचुरली स्पॉन हुई जो, और दूसरा एक बेबी ज़ॉम्बी जो डायमंड आर्मर पहन के एक चिकन के ऊपर बैठ के आया हो। ये देखिए हमें अभी तक सिर्फ 6 ही सीड्स मिले हैं। मैं यहाँ की आज सारी ग्रास उखाड़ दूंगा, मुझे सीड्स चाहिए सीड्स। तुम्हें दिक्कत क्या है? नहीं भाव निकल, मैंने कहा कि मेरे पास अभी सीड्स नहीं है, फिर भी नहीं मेरे पीछे पीछे आना है तुम्हें, तो सीड्स की अभी मेरे को खुद कमी है, तो तुम्हें कहाँ से खिलाऊँ? देखिए गाइस हमारे पास 7 सीड्स हो चुके हैं, इसी तरह मैं 3 सीड्स और ढूंढने हैं। यही ग्रास तोड़ तोड़ के हम यहाँ से 3 सीड्स और ढूंढ लेंगे। अभी भी हमें एक भी सीड नहीं मिला, 7 के 7। कितना ज़्यादा बोरिंग है ये। हमें एक
कुर्सी मिल गया है, ऐसे हमें सिर्फ 2 सीट्स और चाहिए। वाह, हमें एक और मिल गया, हमारे पास 9 हो गए। अब बस सिर्फ 1 सीट और, यहाँ पर भी हमें सीट नहीं मिला। तो हम यहाँ थोड़े इधर की ग्रास तोड़ते, पानी के पास वाली, लगता है हमें यहाँ से सीट मिल जाएगा। ये देखिए, अब मैंने हाथ में सीट नहीं लिया था, अभी चिकन्स मेरे पीछे पीछे नहीं आ रही हैं। अभी भी मुझे नहीं मिला है सीट। वाओ गाइस, फाइनली हमारे पास 10 सीट्स पूरे हो चुके हैं। तो हम चलते हैं सीधा अपने घर के पास वाले फार्म में, और वहाँ पर जाकर हम इन 10 सीट्स को भी लगा देते हैं ताकि ये पक जाएं, फिर हम इन्हें काट लेंगे और फिर उससे हमें और भी ज़्यादा सीट्स मिलेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, हमने यहाँ पे सारे सीड्स लगा दिए हैं और ये हमारा छोटा सा फार्म बनके तैयार है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने का हमारे स्टीव को भूख भी लग गया है, तो मैंने उसे खाना खिला दिया है। हमें ट्रेडर को मार के एक रोप भी मिल गई थी गाइस। ये देखिए हमारा घर कितने ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। तो हमने जो टॉर्च क्राफ्ट की थी उसे हम यहाँ पर लगा देते हैं, जिससे कि रात में हमारे घर के आसपास रोशनी रहे। ये देखिए हम पीछे की साइड भी यहाँ पे डर्ट के नीचे टॉर्चेस को लगा देते हैं। हमने यहाँ पे टॉर्चेस लगा दिए हैं, जैसे हमने उस साइड यहाँ पे 2 टॉर्चेस लगाए थे वैसे ही हम इस साइड भी लगाते हैं। देखिए हमने इधर भी टॉर्चेस लगा दिए हैं। और अब देखिए दोस्तों, हमारा घर थोड़ी सी दूर जाके कितना ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। इधर से देखिए दोस्तों, एकदम ही बंगले की तरह लग रहा है, एक आलीशान बंगला। इस साइड से भी देखिए दोस्तों, कितना ही ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है हमारा घर। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ये घर बनाया था, तो उसे जाकर जल्दी से देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम चलते हैं सीधा अपने घर के अंदर और आज की वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। थैंक यू गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर